क्वेश्चन 11, देर आर थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देर इज ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.100 माइक्रो कूलम एट पॉइंट ए। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन बी एंड सी इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो है बी सी के मिड पॉइंट पर फील्ड निकालना है ना। चलिए देखिए, तो देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और इट्स साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर कह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए बी सी के मिड पॉइंट पर हमको क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो देखिए बी पर कितना चार्ज रखा गया है, करके देयर आर थ्री पॉइंट ए बी सी एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयर इज ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.1 माइक्रो कूलम। तो देखिए ए पर जो है 0.100 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा गया है, ठीक है, क्यू ए। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देखिए सिस्टम में खाली एक ही चार्ज है, व्हिच इज एट पॉइंट ए। यू हैव टू फाइंड फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट ए होगा ना, तो बी सी का मिड पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। तो वर्टेक्स ए से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये मिड पॉइंट डी इस नॉर्मल पर लाई करेगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल एंगल में ये एडी मीडियन हो जाएगा, एडी मीडियन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मीडियन क्या हो जाएगा, बी सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है। इस सिस्टम में केवल एक चार्ज है, तो यू हैव टू फाइंड फील्ड टू अ पॉइंट, पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस डी। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कि 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है ना, एडी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए एडी स्क्वायर इसको कितना हो जाएगा, एडी स्क्वायर इसको हो जाएगा एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, है ना। एडी वैल्यू क्या, 10 स्क्वायर है माइनस 5 स्क्वायर है, तो 100 प्लस 25, ठीक है, 100 माइनस 25 सर, तो 100 माइनस 25 क्या होगा, 75 हो जाएगा। तो एडी को भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 इंटू 3, है ना। तो एडी को तो हो गया हमारा 5/3, ठीक है। अब आपको फील्ड चाहिए, तो फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई एडी स्क्वायर। तो राइट वैल्यू तो जगह 9 × 10⁴ क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू की वैल्यू जो है 0.1 × 10⁴ है। एडी स्क्वायर की वैल्यू कितना होते हैं, एडी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये एडी की वैल्यू 5/3 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लीजिए, तो एडी कितना हो जाएगा, 5/3 × 10⁴ मीटर। ये बार निकाला दीजिए तो जगह 5/3 × 10⁴ होल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁴ ये दशमलव हटा देते हैं, तो क्या होगा 10⁻⁷ हो जाएगा, अपॉन ये 75 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा ना। आप इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 3/25 ये हो गया आपका 3/25 × 10⁻⁹ माइनस 7+4 ना, टेबल कितनी हो जाएगी, टेबल हो जाएगी आपकी 3/25 × ये 13 − 7 10⁻⁶ हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये भी आपका
3 into 100 into 10 at power 4 divided by 25, 25 1 or 25 4. So 3 into 4 top ho jayega 10 at power 4, 1.2 into 10 at power 5. ये छोटा हो गया आपका 1.2 into 10 at power 5 न्यूटन कूलम माने वाले फील्ड हो गए हैं. डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन टू डिसाइड डायरेक्शन वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट डी. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो टेस्ट चार्ज मूव अलोंग एडी. टेस्ट चार्ज क्या करेगा? एडी के नाम मूव करेगा ना. तो ये फील्ड किधर हो जाएगी? अलोंग एडी हो जाएगी. ये फील्ड किधर हो जाएगी? अलोंग एडी. ये आपकी मैग्नेट. चलिए देखिए क्या थे आंसर. व्हाट इज आंसर? कितना सही है? चलिए बैठो.